फ्रेंड्स, हमारे चैनल लेजी क्रेजी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंटर की सब्जियां ग्रो करना, वो भी बेहद ही आसान तरीके से। सब्जियां ग्रो करने के लिए क्यारियों की प्रिपरेशन हमने कर ली, जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जियां लगाना। सबसे पहले हम धनिया उगाएंगे। धनिया के बीज हमने घर पर जो साबुत धनिया लेकर आते हैं उन्हीं उसी में से लिए हैं। हमें मार्केट से अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम धनिया के बीजों को थोड़ा क्रश कर लेंगे, ताकि वो दो भागों में टूट जाए। उसके बाद किसी लकड़ी के टुकड़े की मदद से या हाथ से क्यारी में 1 से 1.5 इंच गहरी लाइन लगा लेंगे और इनमें धनिया के बीज स्प्रिंकल कर देंगे। बीज हमें अच्छी मात्रा में ही डालने हैं, ताकि अगर कोई बीज ग्रो ना हो तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। दोनों लाइनों के बीच हम कम से कम 5 इंच की दूरी रखेंगे, ताकि बाद में जब हम इसकी गुड़ाई करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए और पौधों को फैलने के लिए उचित जगह भी मिल जाए। इसी सेम प्रोसेस से हम मेथी लगाएंगे। मेथी भी अगर आप घर पर अवेलेबल हो तो वही यूज़ कर सकते हैं। मेथी सबसे आसानी से ग्रो होती है, आप इसे कहीं भी कैसे भी डाल दें ये ग्रो हो जाएगी। तो उसी प्रकार लाइन में हम मेथी डालते जाएंगे, वह हल्के हाथों से मिट्टी से ढकते जाएंगे। अब बारी है पालक लगाने की। पालक का बीज भी हमने जो पिछली बार पालक लगाई थी तो कुछ सीड्स तैयार कर लिए थे, हम वही सीड्स ग्रो करेंगे। इन्हें हम पॉली बैग में लगाकर बता रहे हैं, पर यहाँ भी प्रोसेस वही सेम रहेगी। लाइंस बनाएंगे, बीज डालेंगे, वह ऊपर हल्के हाथों से मिट्टी डाल देंगे। मैंने यहाँ जो सब्जी क्यारियों में लगाई है वो साथ साथ ग्रो बैग्स में भी लगाई है, ताकि अगर आप ग्रो बैग यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने धनिया भी ग्रो बैग्स में लगा दिया है। धनिया, मेथी और पालक लगाने के बाद हम कुछ सब्जियों की पौध लगाएंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी पहले पौध तैयार की जाती है, बाद में उन्हें क्यारियों में शिफ्ट किया जाता है। आज हम ऐसी ही 4 सब्जियों के बीज लगाएंगे, जो है फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर और मिर्ची। ये देखिए, ये है कैबेज यानी बंद गोभी, फूल गोभी, ये है बंद गोभी। वैसे फूल गोभी हो, बंद गोभी हो या ब्रोकली, इनके बीज देखने में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, एकदम सरसों के दानों की तरह। इसके अलावा हमने मिर्ची के सीड्स लिए हैं, ये भी हमारी किचन में हम जो साबुत मिर्ची लाते हैं उसी से लिए हैं। तो आप भी वो बीज ले सकते हैं, इन्हें भी अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ग्रो करते हैं। इनके लिए भी लगभग 1 इंच गहरी लाइन लगा लेंगे। वह हमारे जो छोटे छोटे गोभी के बीज हैं इन्हें डाल देंगे। एक पैकेट में गोभी के काफ़ी बीज आ जाते हैं, हमने इन्हें 2 लाइंस में स्प्रिंकल कर दिया है। अब इन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे और इसी तरह दूसरी गोभी भी लगा देंगे। हम इस पर हल्के हाथों से ही मिट्टी डालेंगे। अब उसी सेम प्रोसेस से हम बंद गोभी भी लगा देंगे। हम इनके पैकेट इनके साथ ही रखेंगे, वे लाइंस के पास ही उन्हें थोड़ा थोड़ा मिट्टी में दबा देंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ कौन से सीड्स लगाए हैं। इसके बाद इसी विधि से टमाटर के बीज लगा देंगे। ये बीज हमने मार्केट से लिए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर पर जो टमाटर होते हैं उनके गोल गोल स्लाइसेस करके उन्हें भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार टमाटर से ही पौधे तैयार किए थे। इसके बाद मिर्ची लगा देंगे। मिर्ची लगाने के बाद मिर्ची को भी हम बस स्प्रिंकल करेंगे और इन पर मिट्टी डाल देंगे। मिर्ची लगाने के बाद क्यारी में कुछ जगह खाली रह गई है, तो यहाँ हम मूली लगा देंगे। मूली के हम एक जगह पर 2 सीड्स लगाएंगे।
ताकि अगर हमारा एक बीज जर्मिनेट ना हो तो भी एक तो होगा ही होगा। मूली के दो पौधों के बीच हम कम से कम 10 इंच की दूरी रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फैल जाती है। गमले या पॉलीबैग में लगा रहे हैं तो भी 5 या 6 इंच की दूरी कम से कम रखें। इस प्रकार हमने सारी क्यारियों में सीड्स लगा दिए हैं। अब बारी है इन्हें पानी देने की। वैसे कोशिश करें कि आप कोई भी सब्जी या पौधा शाम के टाइम ही ग्रो करें, और ग्रो करने के बाद अच्छे से पानी ज़रूर दें। हमने अपनी सारी क्यारियों में सब्जी लगा दी है और मैंने इनके चारों ओर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चींटियाँ हैं और वो बीज उठाकर ले जाती हैं। अब हम अपनी सारी क्यारियों में अच्छे से पानी दे देंगे। अगर आप पॉलीबैग में सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छे से पानी डाल दीजिए, जब तक कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। मैंने जब तक सारी क्यारियों में पानी दिया तब तक अंधेरा सा हो गया था, पर कोई बात नहीं, हमारी सब्जियां अच्छे से हमने लगा दी हैं और आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अपडेट्स दिखाएंगे कि ये ग्रो होने के बाद कैसी दिखती हैं और हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद वो पिजन्स के अंडे जो पिछली वीडियो में आपने देखे थे, उनसे छोटे छोटे से चूजे बाहर आ गए हैं, जो देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। इनकी माँ हमेशा इनके पास बैठी रहती है ताकि कोई इसके बच्चों को हानि ना पहुंचा सके। जल्द ही इनके पंख आ जाएंगे और ये उड़ने भी लगेंगे। तो आगे के अपडेट्स अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक अवर वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड बाय बाय।